नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है और बुरी तरह से कंपनियां चिल्ला रही है। उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा संकट की स्थिति इनके लिए बनी हुई है। लेकिन ऐसे में गवर्नमेंट का क्या कहना है, DoT का क्या कहना है, तो यहाँ पर अंशु प्रकाश जी जो सचिव है दूरसंचार विभाग के, तो उनका जो कहना है वो हम देख लेते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है कि संकट में नहीं है टेलीकॉम सेक्टर, निवेश के लिए भारत में ये है बेहतर विकल्प। तो दोस्तों, जो इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की, ऐसा कहना है हमारे जो DoT के सेक्रेटरी है श्री अंशु प्रकाश जी, उनका मानना है। तो दूरसंचार के मामले में भारत दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है और भारत के दूरसंचार क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए इस सेक्टर टेलीकॉम की कंपनियां स्पेक्ट्रम नीलामी का लाभ उठा सकती है, यह कहना दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश जी का है। आगे क्या कहते हैं वो आइए जानते हैं। अंशु प्रकाश जी ने INS को दिए इंटरव्यू में कहा कि टेलीकॉम सेक्टर के ठिकाने निवेश के तौर पर भारत टॉप लेवल पे है। दूरसंचार सचिव का ये बयान काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में वोडाफोन ग्रुप का बयान सुर्खियों में रहा, जिसमें उसने जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू समायोजित सकल राजस्व यानी कि AGR में राहत नहीं मिलने पर वह भारत को अलविदा कहने की बात कही थी, उसी के संदर्भ में ये बयान इनका आया है। AGR बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन ग्रुप के CEO निक रीड ने नवंबर में दूरसंचार क्षेत्र के संकट का जिक्र किया था, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो दोस्तों, ये था DoT के सेक्रेटरी श्री अंशु प्रकाश जी का बयान कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें टेक्नोलॉजी में निवेश करें। साथ ही जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जो कंपनियां हैं ऑपरेटर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज 4G आया है, कल 5G आएगा, 6G भी आएगा, तो हमें एडवांस रहना है आगे। वहीं वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन KM बिरला ने भी नवंबर में कहा था कि पर्याप्त राहत के बगैर टेलीकॉम कंपनी को कारोबार बंद करना पड़ेगा। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट किया था कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र में एकाधिकार नहीं चाहती है। और आगे हम आपको बता दें कि वोडाफोन के CEO द्वारा जल्द अलविदा कहने की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि भारत में किसी दूरसंचार कंपनी को अपना कारोबार समेटना पड़े, बंद करना पड़े। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल दोनों कंपनियों को वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में काफ़ी घाटा हुआ। आलोच्य तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 50,921 करोड़ रुपए का घाटा हुआ तो भारतीय एयरटेल को 23,000 करोड़ का घाटा हुआ है। यहीं DCC जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है, उन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि ट्राई ने पहली बार 5.22 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 5G स्पेक्ट्रम समेत स्पेक्ट्रम की नीलामी मूल्य के आधार पर करने की सिफारिश की है। और सचिव ने कहा है कि DCC ने ट्राई की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है और हम 8,305 मेगाहर्ट्ज की नीलामी करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले मार्च या अप्रैल में ये नीलामी होगी। हमने नीलामी के लिए पहले सभी निविदा जारी कर दी है, अगले साल जनवरी में निविदा खोली जाएगी। तो टेंडर जनवरी में खुलेंगे और मार्च अप्रैल में इसकी ऑक्शनिंग होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है।